गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल जो त्राल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया, और जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उस पर भी अंधाधुंध फायर किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने ये दिखा दिया कि कितना ये बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी, हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। पुलिस करना, नौकरी करना तो गुनाह नहीं, अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाते हैं, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहा है लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे यहाँ पर, अमन चैन होगा, उसको ये देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है, यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इंसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। जहाँ तक कल का ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लावीपुरा इनकाउंटर के अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद, खुशीपुरा में हमारे आर्मी के दो जवान शहीद हुए थे और लावीपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे उस मॉडल को, उसमें जो गाड़ी जो बात उसको पहले पकड़ लिए थे, 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था अपराध का, नाम आया था जो नारकोल का है, नदीम अपराध पूरा नाम है, दूसरा एक एक्टिव का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉड्यूल, दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का। खुर्शीद सोपोर इनकाउंटर मारा गया, उससे जो हथियार AK-47 रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। उसके बाद आप लोग एक खुद शेयर देखे होंगे कि टीआरएफ वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद क्लेम किया था कि अबरार एंड कंपनी ने ये एक्शन किया है। आप सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोग पुलिस की टीम हमारे DIG अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। एक स्पेशल टीम बनाए थे, उसको उसके एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहाँ से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिल के एक बहुत बड़ा हादसा दो जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलकर इंट्रोगेट किया। उसके बाद FIR लॉन्च किए, उसमें FIR में उसको पूरा उसको अरेस्ट किए, और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए, जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था, और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया, जिस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर, 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए, और उसको रिइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपीएफ आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को एक्सटेंडन कर दिया, फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर तीसरा दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में के नदीन अपराध और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी हो, क्योंकि ये मेडुल जो था, ये अफगान पाकिस्तानी और ये नदी अपराध, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एंड को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना और वेपन स्नैचिंग करना, यह इनका टारगेट रहा है।
इसके लिए मैं अपने सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं मिलिटेंट्स के पैरेंट्स से बार बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस का फेस देखिए आप लोग, लाइव इनकाउंटर में हम लोग सेंटर लेते हैं, उनको जिंदा रहने का मौका देते हैं कि लाइव इनकाउंटर में। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग में इन्वॉल्व होगा, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर अटैक करेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो सर, श्रीनगर में जो मॉड्यूल एक्टिवेटेड है, खासकर जो सिविल लाइन्स एरिया जो मिलिटेंसी फ्री था काफी सालों से, वहाँ दो चार अटैक हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोगों ने ये अनाउंस किया था कि श्रीनगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर सेकेंड वीक में एलईटी का एक साकिब जो है वर्जिला का एक्टिव हो गया। उसके बाद खुडबनी रेडबनी से जब आर्मी का पुलिस का वहां पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा तो खुडबनी रेडबनी से शिफ्ट होकर अब्बास शेख श्रीनगर में शेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर यहां पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है, जो अपने को टीआरएफ कहते हैं, बल्कि एलईटी के ये टेररिस्ट हैं। उसमें एक मार चुका है क्या उबेद, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जहां तक कि इंस्पेक्टर साहब की बात बोले तो देखिए, पुलिस वाले डेली छुट्टी पर हो या ऑफ टाइम में ऑफिस के बाद घर जाते हैं, उनको जाना पड़ेगा। हर एक लोग को हम लोग सिक्योरिटी फोर्स की तरह हम लोग कैंप में नहीं रह सकते हैं, ये लोकल है, डेली घर जाएंगे आएंगे, फैमिली के साथ रहना पड़ता है इनको। ये सॉफ्ट टारगेट है, अगर ये मिलिटेंट इस टाइप से हमारे सॉफ्ट टारगेट को अटैक करेंगे तो हम लोग भी दूसरा हम लोग भी आता है कि क्या क्या कैसे काम करना चाहिए। मुझे भी इसको पता है, 24 साल का बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग का भी, कि कैसे इसको हम लोग भी काउंटर कर सकते हैं। मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ इस टाइप के वारदात में नहीं फंसे। बेचारा इंस्पेक्टर क्या करने गया था, ऑफिस ऑफ करने के बाद मॉस में नमाज पढ़ने गए, आप लोग वीडियो सारे देखे होंगे, मस्जिद के आगे दो टेररिस्ट आके पिस्टल से अंधाधुन पीछे से फायर कर रहा है, वो किसका क्या बिगाड़ा था, वो तो कोई एसओजी में नहीं था, किसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में नहीं था, पूरा गांव सोसाइटी में उनका कितना अच्छा इंपैक्ट था, सिर्फ एक न्यूज बनाने के लिए, फेयर सैक्रिफिस पैदा करने के लिए इनोसेंट आदमी को ये लोग और जो सॉफ्ट टारगेट उनको टारगेट कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, जो श्रीनगर में जो मॉड्यूल है इनके पास पिस्टल है, कुछ उसमें स्लीपर सेल भी है, जिसको हम लोग पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं या हैबिट टेररिस्ट बोलते हैं, ये टाइम ये पार्ट टाइम है, एक इंसिडेंट करने के बाद फिर अपना नॉर्मल काम करने शुरू कर देते हैं। जो फुल टाइम टेररिस्ट है उसको हम लोग पूरा ट्रैक करते हैं, जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है जिसको हैबिट टेररिस्ट को कहते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा दिक्कत होती आती है हम लोग को, लेकिन हम लोग पूरा इसको सर्वेलेंस रखे हैं, बहुत जल्दी इसको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग। देखिए, इस सिलसिला में परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी सीआरपी एयरफोर्स बीएसएफ एनएससी के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जीओसी 15 कोर कोर कमांड साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया, फर्दर उसको सेंटर हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल स्टेशन है इसको भी प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। आप बिल्कुल सही बोलते हैं, अवंतीपुरा खास करके जो हरिपड़ी गांव बेल्ट है, इसमें ट्रेडिशनली जेएस का काफ़ी रहा, इसमें मूवमेंट रहा शुरू से। 2018 में इसी विलेज में जेएस का टॉप कमांडर आदि पठान मारा गया था। लास्ट ईयर 25 जनवरी को जेएस का टॉप कमांडर कारी यासिर पाकिस्तानी मारा गया था। सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए कोई सोर्स है, मुखबिर टैग करके ये अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। हम लोग ऑपरेशन को इन्हांस कर दिए हैं, इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ह्यूमन इंट पर और फोकस कर रहे हैं, सराल में 2-3 अच्छे ऑपरेशन निकाल के इसको भी लोग कंट्रोल कर लेंगे। उसमें हम लगे हुए हैं, अभी बहुत कुछ मिला अभी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमारा जो फर्दर ऑपरेशन है वो हैम्पर हो सकता है। क्या उसमें सुनू का कहना है विस्फोटक था, जैसा कि सुनू का कहना है कि उस गाड़ी में 3 विस्फोटक आईडीज़ थी,
नहीं उसमें आईडी नहीं था, ग्रेनेड था, ग्रेनेड और पिस्टल से गाइस मिला था। देखिए एसओपी का कोई रूल होता है, एसओपी जो होता है ग्राउंड पर जो ऑफिस लीड करते हैं, जो हैंडल करते कटिंग एज पर, वो टोटल लेटर स्पीड पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम सर्च करने जा रहे हैं, हम मानते हैं कि इसमें मिलिटेंट अलमारी होगा, पलंग के नीचे होगा, रूफ टॉप होगा, हो सकता है कि दरवाजे के पीछे छिपा हो। ये बहुत टेक्निकल, ये प्रोफेशनल हजार्ड है, इसको हम लोग सर्च करना पड़ेगा। ये टेररिस्ट नदीम अबरार था, हम लोगों को नहीं बताया था कि उसमें पाकिस्तानी मेरा मिलिटेंट है, उसमें मेरा है। वो बोला था उसमें मेरा एक एक पिस्टल हम लोग ले लिए थे, एक एक उसमें रखा हुआ है, एक एक को रिकॉर्ड करने गए थे। अगर वो बोल देता है कि इसमें टेररिस्ट छिपा हुआ है पहले से, उसी ढंग से अलर्ट हो जाते हम लोग, हमारे ऑफिसर जवान इंजर्ड नहीं होते।